लेफ्ट आर्म गेंदबाज बने रोहित के लिए काल, बार बार पूछ रहे सवाल, फारूकी ने रोहित के खिलाफ फिर मचाया धमाल। लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के आगे क्यों स्ट्रगल कर रहे रोहित, बार बार क्यों हो रही कप्तान से एक ही चूक। पकड़ में आ गई हिटमैन की कमजोरी, सुपर आठ के महाभारत में एक्सपोज हो रहे रोहित। टीम इंडिया का सुपरस्टार जो हमेशा रन बनाने को नजर आता है बेकरार, क्यों मौजूदा वर्ल्ड कप में कैप्टन साहब के फूल रहे हाथ पांव। रोहित की एक ही कमजोरी पड़ रही टीम इंडिया पर भारी, लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे कप्तान। ये वो सवाल हैं जो सबको परेशान कर रहे हैं, टीम इंडिया को चेयर अप करने वाले फैंस को खल रहे हैं। जरा रोहित का अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर कार्ड देखिए। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 गेंदें खेली, सिर्फ 8 रन बनाए, सिर्फ एक चौका लगाया और उनका स्ट्राइक रेट रहा 61 का। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी वो रोहित का लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रगल है, फारूकी के खिलाफ परेशानी। ऐसा पहली बार नहीं कि जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ रोहित शर्मा को स्ट्रगल करना पड़ा हो, इस वर्ल्ड कप में ये लगातार हो रहा है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 मैचों में बल्लेबाजी की, जिसमें एक बार रिटायर्ड हर्ट होकर और 3 बार आउट होकर गए। तीनों ही बार उनका विकेट लेफ्ट आर्म पेसर ने लिया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें शाहीन अफरीदी ने आउट किया था, वहीं अमेरिका के खिलाफ सौरभ नेत्रवलकर ने उन्हें पावर प्ले में बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ लेफ्ट आर्म पेसर फारूकी ने उन्हें चलता किया। फारूकी इस टूर्नामेंट में खतरनाक फॉर्म में दिखे, पावर प्ले में उन्होंने स्विंग होकर अंदर आती गेंदों से बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया। उन्होंने अभी तक 5 मुकाबलों में 13 विकेट लिए, इसके साथ ही वो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 13 में से 10 विकेट पावर प्ले में ही लिया। रोहित का लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के खिलाफ ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया को परेशान कर रहा है। टीम इंडिया को 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, जहां मुस्तफिजुर रहमान उनके लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। फिर सुपर आठ में ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ंत है, वहां स्टार्क का सामना कैसे करेंगे रोहित। अगर जल्द ना निकाला गया समस्या का हल तो फिर टीम इंडिया पछताएगी कल, इसीलिए समय रहते संभल जाओ रोहित। रोहित शर्मा के लगातार फ्लॉप होने और एक ही पैटर्न पर विकेट गंवाने को लेकर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए भारत पॉजिटिव के साथ।